हजारों श्रद्धालुओं ने गंगा दशहरा स्नान के दौरान गंगा बैराज पर पहुंचकर मुख्य स्नान के दिन गंगा में डुबकी लगाई। उधर आज बैराज पर भी श्रद्धालुओं ने पहुंचकर दीपदान कर गंगा में स्नान करने का सिलसिला जारी रहा। गंगा स्नान को लेकर प्रशासन ने पूरी व्यवस्था कर रखी। शनिवार सुबह से मेले में लोगों की भारी भीड़ उमड़ती रही। श्रद्धालु 2 दिनों से गंगा में पंडाल लगाकर गंगा के तट पर रह रहे थे। जैसे जैसे दिन निकला, ठंड मौसम से लोगों को राहत मिली तो लोग अपने परिवार के साथ स्नान के लिए बैराज पर पहुंचने लगे और घरों से निकलना शुरू हो गए। उधर गंगा स्नान को लेकर पुलिस के कर्मी सादी वर्दी में जहां श्रद्धालुओं के बीच मौजूद रहे, वहीं बैराज रोड पर भी पुलिस की 100 डायल गाड़ी लगातार गश्त करती रही। दीपिका शर्मा। दीपिका जी, आज आप यहां गंगा स्नान करने के लिए आए हैं, स्नान से आप लोगों की क्या क्या आस्थाएं जुड़ी हुई हैं? आज पूर्णिमा पर जो स्नान होता है उसका बहुत ही पुण्य माना जाता है हमारे उसमें, और इसीलिए बहुत सारे लोग, सभी लोग आज दूर दूर से आकर के आज का स्नान का लाभ लेते हैं और हम हर साल यहाँ पे आते हैं। जिला प्रशासन की तरफ से आप लोगों को क्या क्या सुविधाएं दी गई है? जिला प्रशासन की तरफ से जैसे पानी का लेवल ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से छोटे छोटे बच्चे भी आराम से नहा सकते हैं साथ में, और लाइट वगैरह की सुविधा यहाँ पर है, तो बहुत अच्छा प्रशासन की तरफ से है।